हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे टास्क वार पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो टास्क वार्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि हमने राइट किया और फिर अप्लाई किया तो ये राइट सेक्शन में चला गया। ठीक, यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन होने लगी राइट सेक्शन में। तो हम ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज दिखाने वाले हैं, चाहे जिससे भी साइड हो। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा अभी टास्क बार राइट साइड में है, ठीक, और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे और जैसा पहले था हम वैसे पहले कर देते हैं। ठीक, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक, ये जैसा कि हमारा टास्क बार दिख रहा है कि नीचे है, बॉटम में है, तो बॉटम में ही है। ठीक, अब हम इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कि लेफ्ट, राइट, बॉटम या हाइट। तो सबसे पहले हम इसकी राइट इस पर टास्क बार पर ले जाके माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये देखिए एक विंडो ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस पर तीन चेक बॉक्स हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको चेक नहीं करना है। ये यदि चेक है तो इसे कर सकते हैं, लॉक द टास्क बार। इसे नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम करते हैं क्या, ऑटो हाइड द टास्क बार। सबसे पहले तो ऑटो हाइड टास्क बार पे अप्लाई करते हैं और जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए कि ये जो हमारा ये है टास्क बार, ये ऊपर नीचे जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने लॉक द टास्क बार पे क्लिक किया हुआ है। और जैसे ही इस पर अप्लाई कर दिए तो ये ऑटोमेटिक जाने लगा, और जैसे ही माउस ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। हाइड एंड शो, इसे बोलते हैं हाइड एंड शो टास्क बार। ठीक, इसके बाद हम इसे हटा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं कि हमारा टास्क बार सो ही रहेगा, हाइड नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा टास्क बार ऊपर चला जाए, तो हमको क्या चाहिए, टॉप पे सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाके ये हाइड हो तो ये अप्लाई करते हैं तो ये हाइड भी होता है, माउस ले जाने पर ही ये शो होता है। ठीक, अब हम इसके बाद हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में जाए, तो लेफ्ट साइड पर हम ऑप्शन चूज करेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में जाता है और ऑटो हाइड है, हम चाहते हैं ये ऑटो हाइड ना रहे। ठीक, तो हमने ये कर दिया। ठीक, वही ऑपरेशन सभी जगह परफॉर्म होंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, ये स्टार्ट मेनू है, तो हमको स्टार्ट मेनू से नहीं है मतलब। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, राइट साइड ले जाना है तो राइट साइड पर जाके अप्लाई कर देते हैं। ठीक, ऑटो हाइड चाहिए तो ऑटो हाइड कर देते हैं अप्लाई। ठीक, और इसके बाद हमें नहीं चाहिए, कोई मीन्स नहीं है। अब हमको क्या चाहिए कि इसके जो आइकॉन्स हैं, हम किसी भी साइड पे रहें और इसके आइकॉन्स छोटे हो जाएं, तो यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, ये हमने किया और अप्लाई किया, तो देखिए सारी चीज़ें छोटे हो गई। ठीक, वही सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। हम अभी इसी तरह से इसे हम बॉटम में लाना चाहें तो हम बॉटम में ला सकते हैं। ठीक, ये अप्लाई हमने कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, जिस साइड ले जाना हो तो ठीक है, नहीं तो हमको टूल टूल बार्स में, इसमें कई सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे लिंक, ये लिंक आ गया अपने को, ये रहा। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने किया, अब एक एक करके हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये फायदे हैं लिंक के। ठीक, इसमें हम सभी नहीं देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक, स्क्रॉल बार बना देते हैं, हमको लिंक नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो हम एड्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एड्रेस है, तो एड्रेस पर हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें शो अप करेगा ये। ठीक, ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रहा है, लेकिन हम इसे इस साइड नहीं चाहते हैं, तो एक मिनट हम ये कर देते हैं। ठीक, ये बॉटम पे आ गया, ये हमने जो भी यहाँ पे लिखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो अप होनी चाहिए, हो रही हैं। ठीक, अब ये टूल बार्स में हम गए, एड्रेस में ना जाके हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप नाम का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे बगल में जो दो एरो दिख रहे हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारी चीज़ें हमारी शो होंगी डेस्कटॉप से रिलेटेड। ठीक, तो हमको डेस्कटॉप भी नहीं करना है, तो अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर हम टास्क बार में जाएंगे और जो भी यहाँ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने देख चुकी हैं। ठीक, यहाँ पे ऑलवेज वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशंस हैं हमने आज टास्क बार के देखे, और टास्क बार पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो होता है ये स्टार्ट बटन कहलाता है टास्क बार पे,
यहाँ पे हम सर्च बार से कह सकते हैं, सर्च करते हैं इससे, ठीक। और यहाँ पे टास्क व्यू है। तो दोस्तों आपको ये टास्क बार वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चलते रहें, इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनके पास भी पहुँचते रहें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपको अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।